नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका एक रोमांच से भरे नए कार्यक्रम में जिसका नाम है, माफ़ी चाहूँगा, नामकरण अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम अपने संपादक से जुड़ चुके हैं श्री रचि शर्मा जी, और यहाँ पे हम उस स्थान पे पहुँच गए जहाँ हमारे टीम के तीसरे सदस्य हमें ज्वाइन करेंगे। और यहाँ हमारे टीम के तीसरे सदस्य आ गए हैं संतरा छीलते हुए इतनी मेहनत अपने न्यूट्रिशन पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पे हम आ चुके हैं शांति कुंज हरिद्वार, जो कि भूपत वाला में स्थित है। तो अंदर का दृश्य आपको हम चल के दिखाते हैं, और ये रहे हमारे संपादक श्री रचित शर्मा जी। यहाँ पे सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आपके आधार कार्ड लिए जाते हैं, तो हम भी अपना दे रहे हैं। भाई जी ये लो। नहीं हो गया मेरा, हो गया मतलब मेरा भी। हाँ। और ये रहे आज के शूज, और साथ में बोलो जुबा केसरी। और ये है यहाँ का एंट्री कार्ड, जो आपको आधार कार्ड या अपना कोई भी पहचान पत्र दिखाने के पश्चात मिलता है। और ये आप देख सकते हो यहाँ की अलौकिक सुंदरता, जो आपके मन तन धन सबको अलौकिक सुख एवं आध्यात्मिक सुख प्रदान करती है। बाकी आगे का दृश्य आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे क्या क्या है, कैसे कैसे है। और ये शांति कुंज है, यहाँ का ये सरोवर है, और ये सरोवर के ऊपर एक पुल का निर्माण करा गया है, जो आप देख सकते हैं प्राकृतिक खूबसूरती को दर्शाता है। और ये है भोले बाबा का मंदिर, और यहाँ पे देव संस्कृति दिग्दर्शन, आई डोंट नो व्हाट टू से बट है कुछ। और यहाँ पे एक पंडित जी चाय पी रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग दर्शन करने आए हैं, और वहाँ पे एक प्यारा सा जीव जिसे आप बिल्ली के नाम से भी जानते हैं, वो भ्रमण कर रही है। अच्छा, हमको सिखा रही है। और यहाँ पे कुछ नियमों का पालन करके हम वाटिका की ओर प्रस्थान करते हैं, और आपके आपको दर्शन कराते हैं इस सुंदर सी वाटिका का। यहाँ पे कुछ पारंपरिक मूर्तियाँ एवं कलाकृतियों का सुंदर सा चित्रण है। ब्यूटीफुल। और जैसे कि आप लोग को मैं बता रहा था कि यहाँ पे बहुत ही शांत माहौल है, बहुत ही प्यारा माहौल है। और यहाँ पे ये जो वाटिका है, यहाँ पे सारे प्रकार के वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे हम आपको कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पतियों, पेड़ पौधों का दर्शन कराते हैं, जो शायद ही आपने अपने जीवन में कभी देखे होंगे इतने सारे। क्या बोला तूने? मैंने भी नहीं देखे। यहाँ पे ये सीता, अशोक, महुआ, पत्थर चूर, ये क्या है आप पढ़ सकते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। यहाँ पे तुलसी माता। आप बीसी तो ऐसे ही कर रहे हो? बीसी ऐसे ही कर रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप हमसे और कुछ चीज की उम्मीद ना रखें। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। और यहाँ पे ये बहुत ही शांत माहौल है, बहुत ही प्यारा भी। ये क्या है भाई? कुछ खतरनाक शब्दों का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, जिनको हम पढ़ने में असमर्थ हैं, जैसे आप देख सकते हो। और ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचाने के लिए यहाँ पे कुछ अनोखे प्रकार से इस क्या बोलते हैं, जगह का निर्माण भी हुआ है। और यहाँ पे सिर्फ आप लोग को ये सारी चीजें दिखाने के लिए हम इतने कष्ट से गुजर रहे हैं। तो क्या नाचोगे? इन छोटी छोटी आकृतियों पे चलने के कारण हमारे पैरों में जो पीड़ा हो रही है, जो कष्ट की अनुभूति हो रही है, उसका हम वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते हैं। तो कृपया हमको सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी जो भी कर सकते हैं, जय माता जी बोल के ये दिखा दीजिए, मतलब ठेंगा नहीं, मतलब लाइक दिखा दीजिए। समझ रहे हो आप? तो जैसा मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ कि शांति कुंज में क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ पे बहुत मतलब प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, बहुत सुंदर दृश्य है, आपके मन को बहुत भाएगा। और इसके बाद लास्ट चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का कैंटीन, वहाँ पे बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, शाकाहारी, उसमें ना प्याज होगा ना कुछ होगा, और सबसे मेन बात फ्री का मिलता है। तो हम जाके अंदर आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, अगर वीडियो बना सके तो, अगर नहीं बना सके तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए कि हमने भोजन कर लिया है, बस आपको नहीं दिखाया है।
क्योंकि वैसे ही फ्री का भोजन मिलेगा तो अब खाएंगे तो थोड़ा दिखाने में शर्म भी आएगा, लेकिन क्या करें, फ्री का है तो खा सकते हैं। हमारे गुप्त सूत्रों से हमें एक और बात पता चली है कि यहाँ पे ये जो पार्क है, यहाँ पे कई सारे वर वधुओं की शादी भी होती है जो कि बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो ये बहुत एक अच्छा और नेक काम है जो यहाँ की संस्था के द्वारा होता है। तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि ये जो शांति कुंज है, ये 150 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा ही स्पेस होता है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे स्कूल अर्थात विद्यालय, हॉस्पिटल अर्थात अस्पताल, अपार्टमेंट वगैरह सारी चीज़ों की फैसिलिटी, आप इसको एक छोटा मोटा शहर मान सकते हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और यहाँ ये 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि आज से 50 वर्ष पूर्व हुई थी। तो इसे आप एक मतलब बहुत अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो दोस्तों, अपने एनर्जी का पूर्ण उपयोग करने के बाद यहाँ पे थके हारे बैठे कुछ पंछी अपने अपने कार्य में व्यस्त। अभी 2 अंडे आने वाले हैं, क्या करना है अब? धनराशि की कमी के कारण हमें भूखा रहना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्री भोजन नहीं मिल रहा है। ये बताते हुए हमें बहुत ही खेद हो रहा है क्योंकि हमने आप तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाई। जनता माफ नहीं करेगी। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपके शब्दों को हम यहीं पे विराम देते हैं। ये चीज़ बताते हुए कि आपको हमने दिखाई दिया है कि यहाँ पे शांति कुंज में क्या है, क्या नहीं है, क्या देखने लायक है, क्या देखने लायक नहीं है। वैसे तो यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो देखने लायक ना हो, किंतु बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जिसपे आपको यहाँ पे आने के मतलब पूर्व, यहाँ से आने से पूर्व आपको ध्यान देनी होगी। जैसे कि यहाँ पे आपको, आप कोई भी गंदगी नहीं कर सकते हो, ना यहाँ पे आप कोई गाली गलौज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही पावन धाम है, आप इसको वैसे भी देख सकते हो। तो इस कारणवश यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं आपको ये सारे दुष्कर्म करने से वो रोक देंगे। तो यहाँ पे आप आके गालियों का या किसी बुरे शब्द का प्रयोग ना करें, यहाँ पे नशे का सेवन ना करें। तो यही सारी चीज़ थी आज के लिए, और बाकी धन्यवाद। राम राम जी।